कहते थे, भारत में स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक है यूनिटी ऑफ पर्पज, यूनिटी ऑफ एम्स और यूनिटी ऑफ एंडेवर। हमारे उद्देश्यों में समानता हो, हमारे लक्ष्यों में समानता हो और हमारे प्रयासों में समानता हो। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में हमने नए भारत के समान उद्देश्य के साथ भारत की सामूहिकता को, हमारी असली ताकत को और मजबूत करने का प्रयास किया है। सामान्य मानवीय के जीवन से सरकार को कम करने के भारत के भविष्य का भागीदार बनाया है। आज वो अपने अधिकारों के प्रति तो जागरूक है ही है, अपने कर्तव्य को लेकर के भी आज हिंदुस्तान का नागरिक अधिक सक्रिय और सचेत है। स्वच्छता का वो आज राष्ट्र के प्रति अपना दायित्व निभाने हिंदुस्तान का हर नागरिक आगे आया है, वो अपना काम मानने लगा है। जब मैं फिट इंडिया की बात करता हूं, फिटनेस को भी वो देश के लिए अपने योगदान के रूप में देख रहा है। पानी की बचत को वो अपना राष्ट्रीय कर्तव्य मानने लगा है। नियम कायदों के पालन को कभी वो मजबूरी समझता था, आज वो उसे अपना दायित्व समझकर निभा रहा है। अब वो घर से निकलता है तो अपने साथ कपड़े का एक थैला भी रख लेता है ताकि प्लास्टिक का इस्तेमाल करने की जरूरत न पड़े। साथियों, मैं संपूर्ण देश का आह्वान करता हूं कि आइए हम उस पुरातन उद्घोष को याद करते हुए आगे बढ़े जिसने हमें हमेशा प्रेरित किया है। कई बार हमने सुना है, कई बार समझने का प्रयास किया है, लेकिन देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अब हर हिंदुस्तानी को उस मंत्र को जी करके देश को आगे बढ़ाना है। और वो मंत्र है संगच्छध्वम, संगच्छध्वम संवद्धध्वम, संवो मनात्सि जानताम। यानी हम सभी साथ मिलकर चले, एक स्वर में बात करें, एक मन के साथ आगे बढ़े। साथियों, एकता का यही वो मार्ग है जिस पर चलते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प पूरा होगा, नए भारत का निर्माण होगा। अंत में फिर एक बार आप सभी को, पूरे देश को राष्ट्रीय एकता दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज अनुभव कर रहा हूं कि सरदार साहब की भव्य प्रतिमा, ये सिर्फ प्रवास का नहीं, ये प्रेरणा का स्थान है। और मुझे श्रद्धा है कि आज सरदार साहब की आत्मा जहां भी होगी, एकता के जिस बीज को उन्होंने बोया था, आज हिंदुस्तान के हर कोने में एकता का वो बीज वटवृक्ष बन करके फल फूल रहा है। और उसकी छाया में 130 करोड़ सपने पनप रहे हैं जिसके सामर्थ्य से विश्व आश्वस्त होता चला जा रहा है, विश्व में एक नया विश्वास पैदा होता जा रहा है। और इसलिए सरदार साहब ने जो बीज बोया है, उस बीज को हमारे अपने परिश्रम से, हमारे अपने सपनों से,
हमारे अपने संकल्पों से हमें और समृद्ध बनाना है, और सामर्थ्यवान बनाना है, और जन कल्याण से जग कल्याण का मार्ग हमें लेकर के आगे बढ़ना है। मेरी तरफ से आज मैं फिर एक बार देशवासियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, व्यक्तिगत रूप से मेरी तरफ से सरदार साहब की जन्म जयंती पर सर झुका करके आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ताकत से दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में वहां मौजूद थे, लोगों को संबोधित करते हुए। इससे पहले गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पीएम मोदी ने लोगों